फैमिली में करना चाहला कोशिश कर हुआ है। मेरा नाम है फैसल और आज हम लोग कवर करने वाले हैं संदेश से आते हैं सॉन्ग्स के गिटार कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग पैटर्न्स फ्रॉम द मूवी बॉर्डर। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। एंड बेसिकली सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट की थी साई पवन ने, तो आई होप यू विल एंजॉय दिस लेसन एंड आप लोगों को भी ये लेसन काफ़ी हेल्प कर पाएगा। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो एवरीवन, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें कॉर्ड कौन कौन सी यूज हुई है ओरिजिनल एंड जो मैंने यूज करी है वो। तो मैं सबसे पहले इसको दो मेथड में डिवाइड करूंगा। नंबर वन, जो लोग कॉर्ड्स प्ले कर लेते हैं एंड प्रोग्रेशंस वगैरह अच्छे से प्ले कर लेते हैं, जिनको सिर्फ जानना रहता है कि सॉन्ग में कितनी कॉर्ड यूज की जा सकती हैं या कितनी कॉर्ड लगी हैं, तो मैं पहले मेथड में उनको बताऊंगा कि सारी कॉर्ड्स कितनी कॉर्ड इसमें यूज की गई हैं। एंड जो सेकंड मेथड होगा वो बिगनर्स के लिए होगा कि उसमें हम लोग देखेंगे कम से कम कितनी कॉर्डें यूज करके पूरा सॉन्ग प्ले किया जा सकता है, क्योंकि बिगनर मोस्टली कॉर्ड को जल्दी जल्दी शिफ्ट नहीं कर पाते हैं एंड उनकी सॉन्ग की प्रोग्रेशन स्पीड भी बहुत स्लो होती है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बताऊंगा जो लोग कॉर्ड प्ले कर लेते हैं एंड सेकंड बताऊंगा बिगनर्स के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें ओरिजिनल कॉर्ड्स कौन कौन सी यूज हुई है जो लोग कॉर्ड्स प्ले कर लेते हैं। तो ओरिजिनल में सबसे पहले जो कॉर्ड यूज हुई है ए मेजर, ई मेजर, एफ शार्प माइनर, बी माइनर, डी मेजर, जी मेजर एंड ए माइनर। एंड जो मैंने कॉर्ड प्ले करी है फर्स्ट फ्रेट पे कैपो लगाने के बाद, तो उसमें हम लोग कॉर्ड यूज करेंगे। सबसे पहले जो कॉर्ड होगी एफ मेजर, सी मेजर, डी माइनर, जी माइनर, ए शार्प मेजर, डी शार्प मेजर एंड एफ माइनर। तो ये कॉर्ड्स वो हैं जो मैंने फर्स्ट फ्रेट पे कैपो लगाने के बाद यूज करी थी। एंड मैं ये भी बताऊंगा कि अगर जिनके पास कैपो नहीं है वो इन कॉर्ड्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टोटल 7 कॉर्ड्स हो गई और ये कॉर्ड्स उनके लिए थी जो लोग कॉर्ड्स प्ले कर लेते हैं, बस उनको कॉर्ड्स देखना रहती है कि इस सॉन्ग में कितनी कॉर्ड यूज करी जा सकती हैं। तो अब जो सेकंड मेथड है वो बिगनर्स के लिए है। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम कॉर्ड यूज करें ताकि ज्यादा शिफ्टिंग ना हो और बार बार चेंजेस ना करना पड़े बिगनर को। तो अगर हम लोग ओरिजिनल से प्ले करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कम से कम कॉर्डें कितनी यूज की जा सकती हैं। तो ओरिजिनल से सबसे पहले हम लोग कॉर्ड निकालेंगे ए मेजर, ई मेजर, एफ शार्प माइनर, डी मेजर एंड ए माइनर। तो अब हम लोग देखेंगे इसका सेकंड कॉर्ड जो मैंने यूज करी है कम से कम में बिगनर्स के लिए। तो इसकी जो फर्स्ट कॉर्ड हो जाएगी फर्स्ट फ्रेट पे कैपो लगने के बाद, तो पहली कॉर्ड जो इसकी हो जाएगी एफ मेजर, सी मेजर, डी माइनर, ए शार्प मेजर एंड एफ माइनर। तो जो 7 कॉर्ड्स हैं वो हो गई उन लोग के लिए जो लोग कॉर्ड्स प्रॉपर तरीके से प्ले कर लेते हैं, और जो ये 5 कॉर्ड्स हैं ये बिगनर्स के लिए है। इसमें आपको बहुत कम शिफ्टिंग करना पड़ती है एंड प्रोग्रेशन स्पीड भी कम यूज करी जाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कॉर्ड्स को गिटार में कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें ओरिजिनल कॉर्ड्स कौन कौन सी यूज हुई हैं। तो सबसे पहली जो कॉर्ड है वो है ए मेजर, सेकेंड ई मेजर, थर्ड एफ शार्प माइनर। ओके, इसको अगर जैसे आप लोग एफ शार्प माइनर होल्ड नहीं कर पाते हैं बार में, तो उसको ओपन प्ले करने के लिए आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड फ्रेट के फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रिंग को फर्स्ट फिंगर से होल्ड करना है एंड फिफ्थ स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट पर रखना है थर्ड फिंगर एंड फोर्थ स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट पर रखना है फोर्थ फिंगर। तो आप लोग विदाउट बार भी इसको एफ शार्प माइनर को प्ले कर सकते हैं। एंड जो फोर्थ कॉर्ड है वो है बी माइनर, फिफ्थ कॉर्ड डी मेजर, जी मेजर, आप चाहे तो बार में प्ले कर सकते हैं एंड ओपन में प्ले कर सकते हैं, एंड द लास्ट ए माइनर। जो लोग ओपन में प्ले करना चाहते हैं ओपन में प्ले कर सकते हैं एंड यहां से भी प्ले कर सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ जो मैंने कॉर्ड यूज करी है जिसपे मैंने परफॉर्म किया है। तो उसको प्ले करने के लिए सबसे पहले हम लोग लगाएंगे फर्स्ट फ्रेट पे कैपो एंड जो इसमें फर्स्ट कॉर्ड होगी फर्स्ट फ्रेट पे कैपो लगाने के बाद एफ मेजर। तो जो लोग बार में कॉर्ड नहीं लगा पाते हैं वो सेम अप्लाई कर सकते हैं ओपन के लिए।
फर्स्ट फेट में फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रिंग पे रखेंगे फर्स्ट फिंगर, एंड थर्ड स्ट्रिंग के सेकेंड फेट पे रखेंगे सेकेंड फिंगर, एंड फिफ्थ स्ट्रिंग के थर्ड फेट पे रखेंगे थर्ड फिंगर, एंड फोर्थ स्ट्रिंग के थर्ड फेट पे रखेंगे फोर्थ फिंगर। तो आप लोग ओपन में भी एफ मेजर को प्ले कर सकते हैं। जो सेकेंड कॉर्ड है वो है सी मेजर, ये आप लोग आती होगी, इजी है। थर्ड कॉर्ड डी माइनर, आप चाहे तो फोर्थ फिंगर यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो थ्री फिंगर यूज कर सकते हैं। देन फोर्थ जो कॉर्ड है वो है जी माइनर, ये सेम है वैसे हो जाएगा जैसे मैंने एफ शार्प मेजर बताई थी। देन इसकी जो फिफ्थ कॉर्ड है वो है ए शार्प मेजर, एंड जो इसकी सिक्स कॉर्ड है वो है डी शार्प मेजर, आप चाहें तो ये ऐसे होल्ड कर सकते हैं, एंड अगर आप लोग इस शेप को होल्ड नहीं कर पाते हैं तो आप लोग ए शार्प मेजर को मूव कर लेंगे वन, ए शार्प मेजर आप जैसे होल्ड करते हैं नॉर्मल, इसको मूव करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव, ये हो जाएगी डी शार्प मेजर। देन जो फाइनल इसकी कॉर्ड है वो है एफ माइनर। तो इसमें टोटल कॉर्ड्स कितनी हो गई, अब एफ मेजर, सी मेजर, डी माइनर, जी माइनर, ए शार्प मेजर, डी शार्प मेजर, आप लोग यहां से भी होल्ड कर सकते हैं, एंड एफ माइनर। एंड जो लोग हाई पिच पे थोड़ा सा गाना चाहते हैं, मतलब इनको ये कॉर्ड लो लगे और हाई पिच पे गाना चाहते हैं, तो आप लोग इसको मूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कॉर्ड सारी वहीं से स्टार्ट होंगी, अब यहाँ से हम लोग इसको एफ मान लेंगे, इसी तरह से आप लोग चाहें तो इसको मूव करते अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं उनके लिए जिनके पास कैपो नहीं है तो वो ये कॉर्ड कैसे प्ले करें। ओके, तो जिनके पास कैपो नहीं है वो यूज़ कर सकते हैं एफ शार्प मेजर, सी शार्प मेजर, इस शेप से होल्ड कर सकते हैं, या फिर आप ए पोजीशन से भी सी शार्प प्ले कर सकते हैं। ए को मूव करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ से भी सी शार्प प्ले कर सकते हैं। एंड उसके बाद डी शार्प माइनर, इसके लिए आपको फोर फिंगर यूज़ करना पड़ेगा तभी ये शार्प बन पाएगा। देन जी शार्प माइनर, बी मेजर, ई मेजर, एंड एफ शार्प माइनर। ओके, तो जिनके पास कैपो नहीं है वो उसमें वो टोटल कितनी कॉर्ड यूज करेंगे, एफ शार्प मेजर, सी शार्प मेजर, डी शार्प माइनर, जी शार्प माइनर, बी मेजर, ई मेजर, एंड एफ शार्प माइनर। एंड इसमें से जो लिमिटेड कॉर्ड यूज करेंगे उसमें सिर्फ हम लोग लेंगे इसमें से कुछ कॉर्ड है, ओरिजिनल से हम लोग यूज करेंगे ए मेजर, ई मेजर, एफ शार्प माइनर, डी मेजर, एंड ए माइनर। टोटल फाइव कॉर्ड में ओरिजिनल से प्ले करेंगे। एंड जो मैंने कॉर्ड यूज करी है उसमें भी हम लोग फाइव कॉर्ड लेंगे, एफ मेजर, सी मेजर, डी माइनर, ए शार्प मेजर, एंड एफ माइनर। तो इन फाइव कॉर्ड से हम लोग सॉन्ग प्ले करेंगे। एंड मैं ए शार्प की जगह पर ये इस पोजीशन का यूज करूंगा, आप लोग समझ जाएगा कि ए शार्प मेजर है। मैं स्क्रीन पे आपको कॉर्ड्स के नेम देते रहूंगा। ओके, तो ए शार्प की जगह पे मैं इस शेप का यूज करूंगा। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें स्ट्रमिंग कौन सी यूज हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रमिंग प्ले करके दिखाता हूँ कि इसमें स्ट्रमिंग कैसे यूज हुई है। तो इसमें बेसिकली जो स्ट्रमिंग है वो है डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, जैसे डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप। बट इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है जिसकी वजह से लगता है कि थोड़ा सा स्पेशल इफेक्ट इसके में आ जाता है, वो जैसे म्यूट वाला। तो इसको प्ले करने के लिए हम लोग स्ट्रमिंग सेम रखेंगे जैसे जो मैंने बताया, डाउन डाउन अप अप डाउन अप। बट जो चेंजेस इसके अंदर आ रही है वो चेंजेस ये है कि हम लोग फर्स्ट डाउन में
कॉर्ड का साउंड देंगे बट सेकेंड डाउन में म्यूट रखेंगे, तो डाउन देन डाउन. उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले डाउन में हम लोग थोड़ा टाइट होल्ड करेंगे ताकि साउंड आए, देन उसको लूज कर देंगे हल्का सी, तो उसका साउंड नहीं आएगा. हम लोग उसके ऊपर शेप रखेंगे बट उसका साउंड नहीं आना चाहिए. तो पहला डाउन डाउन म्यूट, देन थर्ड में अप, अप को फिर साउंड करेंगे अप, देन अप डाउन, अप में जो है साउंड नहीं आना चाहिए, म्यूट रहेगा. तो क्या हुआ, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप. इसको थोड़ा सी स्लो प्ले करेंगे. ओके, तो थोड़ा सा इसको फास्ट करते हैं. जब इसको पूरा तरीके से आपको आ जाए तो देन इसको एकदम नॉर्मल स्पीड पे जैसे टेम्पो पे रख लेंगे, इसको स्ट्रमिंग को प्ले करेंगे. ओके, तो आई होप आप लोग को स्ट्रमिंग समझ में आ चुका है एंड कॉर्ड भी समझ में आ चुकी है. अब मैं इस सॉन्ग की स्थाई और अंतरा, स्थाई से आप लोग पूरी उसकी स्थाई की लाइनें प्ले कवर कर सकते हैं एंड उस अंतरे से आप लोग पूरा सॉन्ग कवर कर सकते हैं. बाकी सारे सॉन्ग सेम है, तो मैं अब परफॉर्म करूंगा इसका स्थाई एंड अंतरा. आप लोगों को दोनों कॉर्ड स्क्रीन पे दिखती रहेंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वहीं थोड़ी दूर है घर,
मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। गुजरने वाली हवा बता मेरे दोस्त को मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा बयान दे उसे जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आँचल से गाँव के पीपल से किसी के काजल से किया वो वादा था वो निभाऊंगा। मैं वापस आऊंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प मिल पाई हो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आप लोग की कोई भी सजेशन है या कोई भी रिक्वेस्ट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दोनों पर फॉलो कर सकते हैं, एंड मेरे लेसन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे उस पर DM कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। We'll be right back.